Hi friends, this is Shikha Singh. आप हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 जो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे. मैं ये सीरीज उसी कंटिन्यूएंस में ला रही हूँ. वैसे कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया है कि उनको कुछ डाउट हैं उसके बारे में, वो जानना चाहते हैं, जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेंट में क्या डिफरेंस है. वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आईपीसी ओनली, बट मैं उसको इसी वीडियो में थोड़ा लास्ट में आपको समझा दूंगी, क्योंकि अभी हम वो सेक्शंस मेनली नहीं कवर कर रहे हैं. फिर भी बच्चों ने पूछा, इसलिए मैं उसको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 53 से लेकर आपका जो चैप्टर 3 है आईपीसी में, वो बात करता है बेसिकली आपके जो डेथ सेंटेंस है उससे रिलेटेड, लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिलेटेड, कितनी पनिशमेंट के होनी चाहिए, कैसे फाइन का कैलकुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग, आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि विच सेक्शंस आर रेलिवेंट और विच सेक्शन यू नीड टू लर्न, बिकॉज सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं हैं. 53 से लेकर आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, 75 तक कुछ जो सेक्शंस मैं बताऊंगी वही आप पढ़िएगा. प्लस इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली जो डील करेंगे वो केवल 53 से डील करेंगे, क्योंकि जो 53 है वो बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और उससे जो आपका प्री में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सो मैं उसको केस लॉ के साथ आपको समझाऊंगी थोड़ा सा, ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन. जो हमने मैंने यहाँ पहले से सेक्शंस आपके लिए लिख रखा है ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, वैसे आप बेयर एक्ट खोल लीजिएगा साथ में, सो दैट कि आपको अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप उधर से देखिए. वैसे दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ ओपन योर बेयर एक्ट वाइल लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो. लेट्स डिस्कस सेक्शन 53 is talking about punishment. Section 54 is talking about commutation of death. 55 is talking about commutation of the life imprisonment. Then we have skipped 56 because वो कुछ sections यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नहीं है, वो कुछ section या तो आप repealed हैं या तो फिर वो section important नहीं है, इसलिए मैं discuss नहीं कर रही हूँ. वैसे most of the sections यहाँ बीच वाले repeal हैं, आप direct में देख सकते हैं. Section 57 is talking about fraction of punishment. Section 63 is talking about amount of fine. मैंने यहाँ short में लिखा है amount of fine. 65 limit to imprisonment for the non-payment of fine when imprisonment and fine awardable. मैं इसको पूरा explain करूँगी आपको कि क्या है, इसका क्या मतलब है पूरा. 67 में imprisonment for the non-payment of fine when the offence is punishable with fine only. 69 is the termination of the imprisonment when you pay the proportionate value or fine. And now, ये जो वीडियो है इसमें आप पहले तो ये देखिए कि कौन कौन से सेक्शन आपको लर्न करने हैं. जो 53 है दिस इज टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट, फिर उसके बाद आप 54, 55, 57 आप इसको देखिए, ये ऑड नंबर्स ज़्यादातर हैं तो ये लर्न करने में ईजी होंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर्स ज़्यादा हैं. केवल अगर आप 54 को हटा दें तो 57, 55, 53, 3, 5, 7, then 63, 65 and 67 and 69. ये सब ऑड नंबर हैं अगर आप इसको हटा दें तो ये आपको लर्न करने में ईजी हो जाएगा कि पहले पनिशमेंट है. पनिशमेंट में हम डिस्कस करेंगे, ये सीरीज़ में वीडियो आएंगे तो आप सारे सेक्शंस देखते रहिएगा. तो मैं आपको जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज़ 53 वो उसके साथ में आपको डील करूँगी दिस पर्टिकुलर वीडियो में. सो सेक्शन 53 इज़ टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट कि कितने तरीके की पनिशमेंट होती है. फर्स्टली 5 तरीके की होती है, मैं आपको बता दूं. आप बैरिक भी खोल लीजिए. डेथ, सेकेंड इज इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, थर्ड इज इम्प्रिजमेंट को 2 में डिस्क्राइब किया है, रेगुलर इम्प्रिजमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजमेंट. नेक्स्ट है आपका 4th इज टॉकिंग अबाउट फॉरफीचर, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, एंड 5th इज टॉकिंग अबाउट फाइन. यहाँ पे डेथ सेंटेंस,
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को फिर दो में डिस्क्राइब किया है, रेगुरस क्या होता है, सिंपल क्या होता है, फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फाइन. मतलब बेसिकली आप जब क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तो ये पांच तरीके की ही पनिशमेंट हैं जो किसी को दी जाती है. जैसे कि बहुत कम सेक्शन है जिसमें कि आपको डेथ सेंटेंस दी जाती है. फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ दीज सेक्शंस हैं उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है जो ग्रीवियस हर्ट हैं. जो छोटे ऑफेंसेस हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, उसमें आपको केवल क्या बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी दे देते हैं या केवल आपको फाइन इम्पोज कर देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं. तो ये सारे सेक्शंस हैं. जब हम फर्दर डील करेंगे तो जब हम पनिशमेंट की बात करेंगे तब आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि इसमें केवल 2 ईयर की है, 3 ईयर की है. जैसे थेफ्ट में 3 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट है प्लस फाइन है. तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. ये जो वीडियो है इसमें हम केवल डेथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डेथ सेंटेंस जो है वो हमेशा नहीं दी जाती. कुछ ऐसे इंस्टेंट हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली डेथ सेंटेंस पक्का दी जाती है. वो मैं पहले आपको बता दूँ कि कहाँ आपको आईपीसी में पक्का मिलेगा कि डेथ सेंटेंस होगी ही होगी. दैट इज़ आपका सेक्शन 6 सेक्शंस हैं उसके भी. तो पहला सेक्शन है 121, सेक्शन 122, सेक्शन 356, सेक्शन 192, सेक्शन आपका ये सारे सेक्शंस हैं. और एक सेक्शन और है, मैं आपको वो बता दूंगी. तो इसमें जो सारे सेक्शंस हैं उसमें आपको क्या बोलते हैं डेथ सेंटेंसेस के बारे में बात की कि कहाँ कहाँ पक्का आपको डेथ सेंटेंस मिलेगा. दैट इज़ 102. हम एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मिस्टेक वहीं करते हैं जब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं या जो सबसे ईजी सेक्शंस होते हैं. जैसे कि 302 मुझे याद नहीं आ रहा था. 302 में आपको पता है कि इट इज़ अ पनिशमेंट फॉर मर्डर. तो इसमें आपको पक्का ही डेथ सेंटेंस मिलती है. ये स्किप हो रहा था दिमाग से. 121, 122, 396, 192 एंड 302, ये जितने भी सेक्शंस हैं यहाँ पे डेथ सेंटेंस इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट और कोर्ट मैंडेटरली गिव अ डेथ सेंटेंस. अगर इन सारे सेक्शंस में आप गिल्टी मिलता है, आप गिल्टी होते हैं तो देन आपका जो आप सेक्शन जब इसको देखेंगे तो आप देखेंगे ये वेजिंग वॉर है, ये मूटनी है, ये आपका डकैती है अटेम्प्ट, और ये आपका 192 इज़ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस एंड 302 इज़ टॉकिंग अबाउट मर्डर, पनिशमेंट फॉर मर्डर. तो जब आप बात करते हैं ये आप जब देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे. वैसे मैंने आपको बता दिया वेजिंग वॉर, मूटनी दैट इज़ आपका अटेम्प्ट फॉर मर्डर, दैट इज़ आप डकैती के साथ मर्डर कर रहे हैं. 192 इज़ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, 102 इज़ मर्डर. इन सारे सेक्शंस में डेथ सेंटेंस प्रिस्क्राइब की जाती है कोर्ट के द्वारा. अब हम बात करते हैं कुछ हम केस लॉ की बात करेंगे यहाँ पे कि डेथ सेंटेंस में एज आई हैव टोल्ड यू कि डेथ सेंटेंस इज नॉट द रूल, इट्स अ एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये सारे सेक्शंस में डेथ सेंटेंस नहीं प्रोवाइड की जाती. तो हम कुछ केस लॉ की बात करेंगे जो जोगिंदर सिंह एक है, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. मैं पहले केस लॉ आपके लिए लिख दे रही हूँ. जोगिंदर सिंह, सेकंड बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस इज स्टेट ऑफ यूपी. थर्ड इज टॉकिंग अबाउट मक्खी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. नेक्स्ट फोर्थ इज मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. जो आपका मिट्ठू सिंह वाला केस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. ये जो जोगिंदर सिंह है इस केस में कहा गया है कि जो डेथ सेंटेंस है इस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सेड दैट डेथ सेंटेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली
वैलिड. इसमें चैलेंज हुआ था कि जो डेथ सेंटेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो वो अगेंस्ट दी राइट 21 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है. बट कोर्ट ने कहा कि ये कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहा. सेक्शन दैट इज 300, दैट इज सेक्शन 53 पनिशमेंट. देन बच्चन सिंह में कहा कि जो डेथ सेंटेंस है वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में अवॉर्ड होगी. रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में, एज आई हैव टोल्ड यू कि डेथ सेंटेंस इज नॉट अ रूल, इट्स एक्सेप्शन. सो डेथ सेंटेंस विल ओनली बी अवॉर्डेड इन द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस. रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का मतलब है कि जहाँ पे आप कोर्ट को ऐसा लगता है कि बहुत हीनियस क्राइम हुआ है, इसके अलावा कोई और सेंटेंस नहीं हो सकती. जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, चलिए आप ये कमेंट करके बताइएगा कि कितनी बार इंडिया में अब तक डेथ सेंटेंस हुए हैं और जो रीसेंट अभी डेथ सेंटेंस मिला है वो किसको मिला है. एंड आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कि डेथ सेंटेंस को अबॉलिश किया है. और एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि डेथ सेंटेंस को और क्या कहते हैं सारे ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में भी, डेथ सेंटेंस का दूसरा क्या नाम है. ना वी आर स्विचिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन. मक्खी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. मक्खी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा था कि अगर आप डेथ सेंटेंस को अवॉर्ड करते हैं तो उसके पीछे कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि मोटिव क्या था, क्राइम किया कैसे गया था, क्राइम करने का कितनी हीनियस तरीके से या मैनर क्या था क्राइम का. बेसिकली कोर्ट देखेगी कि वॉट इज़ द मैनर ऑफ द क्राइम, हाउ इज़ इट इज़ डन, वॉट इज़ द मोटिव बिहाइंड द क्राइम, और उसके हिसाब से फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि डेथ सेंटेंस अवॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स कि एक गाइडलाइन बना दी कि डेथ सेंटेंस कैसे आप देंगे किसी को, क्योंकि डेथ इज़ द फाइनल पनिशमेंट एज यू नो. आफ्टर डेथ सेंटेंस अ पर्सन डू नॉट हैव एनी रेमेडी, क्योंकि उसकी अब तो वो मरने ही वाला है. तो फिर क्योंकि अगर और कोई ऑप्शन देते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में होता है तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जिंदा हो एटलीस्ट, तो आप कम्यूट करा सकते हो सेंटेंस, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कम्यूटेशन कैसे होता है और कौन कम्यूटेशन करेगा. तो इसके बाद ये कहा गया कि आपका क्या बोलते हैं, मोटिव देखिए, मैनर देखिए कि कैसे वो क्राइम किया गया है. मोटिव एंड मैनर ऑफ क्राइम देखना है कोर्ट को. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. मिठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये प्री में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ पे है ये. तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कहा गया है. कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कहा गया है दिस सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी. 303 ऑफ आईपीसी को इनवैलिड कहा गया है. और कहा गया है कि मिठू सिंह में कहा गया कि जो सेक्शन 303 है आईपीसी का वो इनवैलिड है, क्योंकि इसमें कहा गया था 303 में कि अगर कोई भी इंसान ऑलरेडी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिली हुई है और अंडर दी इन द प्रिजन और वाइल ही इज ऑन द बेल, तब वहाँ पे वो इंसान सॉरी फॉर द इंटरप्शन. नाउ इसमें कहा गया था सेक्शन 303 में कहा गया था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट है ऑलरेडी और उसने वहाँ पे मर्डर कर दिया, तो उस सिचुएशन में उसको दोबारा से आप लाइफ डेथ की सेंटेंस नहीं अवॉर्ड कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको सेंटेंस मिला हुआ है. सो 303 ऑफ आईपीसी वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड. जो सेक्शन आपका मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया है, ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिठू सिंह में किस सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कहा गया है, तो वो है आपका आईपीसी का 303 सेक्शंस. यू हैव टू लर्न दिस. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वॉट इज डेथ, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेथ सेंटेंसेज आर देयर. वी हैव डिस्कस अंडर सेक्शन 53 दैट वी हैव फाइव टाइप ऑफ डेथ सेंटेंसेज, दैट इज
five type of death sentences that are death sentence, life imprisonment, and then life imprisonment is divided into two, that is rigorous imprisonment and life simple imprisonment, then forfeiture of the property and then fine. This is the five type of punishment which is been provided under IPC, which you will see in the upcoming videos that there are different type of punishment for the different offenses. And friends, in this video we have discussed Bachchan Singh case. Rajendra Prasad, I have not told you, but Rajendra Prasad is also there. In the next video, I will deal with the Rajendra Prasad also, Joginder and Mithu Singh, Makhi Singh. ये सारे cases हमने discuss किए. तो आपको जो सबसे ज़्यादा important है, वो Mithu Singh है. फिर आपका Bachchan Singh important हो जाता है, जो कहता है rare of the rarest case में आपको death sentence award करना है. So friends, do watch this video and revise again and again, because this section is very important for the exam. And in the next video, we will deal with the leftover sections, that is section 54, 55, 63, 67 and 69. You have to revise this because while we will discuss the next video, you must learn all these sections by heart. So thank you for watching this video, and please do share, like and subscribe my video. Thank you for watching this.